वात का अर्थ होता है वायु और धौती का अर्थ होता है धोना। अर्थ, वायु के द्वारा अपने पेट की आंतरिक सफाई करना और अंगों को क्रियाशील बनाना, इस क्रिया का उद्देश्य है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वात सार धौती की विधि की। इसके अभ्यास के लिए सुखासन, सिद्धासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे अपने आसन के ऊपर। कोहनियों को सीधा रखेंगे और हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे, चेहरा ढीला रहे, इस अवस्था में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अपने होठों को गोल कर लेंगे इस प्रकार से। होठों को ये आकृति देंगे जैसे शीतली प्राणायाम में दी जाती है, जिससे दूर से देखने में होंठ एक पाइप की तरह गोल दिखाई देने लगे। अब मुंह के अंदर से थोड़ा सा सांस भरना है और उसको पेट के अंदर लेके जाना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है कि वायु को पेट के अंदर किस प्रकार से लेके जाना है, क्योंकि अभी जो वायु नाक से या मुंह से हम भरते हैं वह फेफड़ों के अंदर जाता है। बेशक सांस भरते हुए हम पेट को फुला लें, परंतु वह केवल मांसपेशियां फूलती हैं, सांस फेफड़ों के अंदर ही जाता है। परंतु इस अभ्यास में आपको वायु को, सांस को, हवा को पेट के अंदर लेके जाना है। अब यह कैसे होगा, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे इस स्थान पर गले में, जहाँ पर नाक की नली और भोजन, मुंह की नली आके यहाँ पर दोनों मिल रही हैं, फिर यहाँ से अलग अलग हो रही हैं। अब यहाँ पे एक अंग होता है या एक ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है फेरेक्स। अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं फेरेक्स और हिंदी में उस अंग को या उस स्थान को बोलते हैं ग्रसनी। यह एक प्रकार का ढक्कन होता है। यहाँ पे हमारे दो नलियाँ हैं, एक नली अन्न नली है जो पेट के अंदर जा रही है, एक वायु नली है जो फेफड़े के अंदर जा रही है। अन्न नली हमेशा ही उस ढक्कन से बंद रहती है, फेरेक्स से। सांस हम नाक से भरें या मुंह से भरें, फेफड़ों की नली हमेशा खुली रहती है और नाक से या मुंह से भरा हुआ वायु फेफड़ों के अंदर चले जाता है। अब यदि आपको मुंह के अंदर आपने कुछ भोजन या पानी डाला है जिसको आपको पेट के अंदर लेके जाना है, तो उस भोजन या पानी को या किसी भी खाद्य पदार्थ को मुंह में डालकर चबाकर हम सटकते हैं, उसको सॉलो करते हैं। सटकने का अर्थ हुआ कि हम अपने गले की मांसपेशियों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ग्रसनी फेरेक्स के ऊपर जो एक प्रकार का ढक्कन है उसके ऊपर दबाव बनाकर अपनी अन्न नली जो बंद थी उसको खोल देते हैं और वह ढक्कन उस नली के मुख से उठकर श्वास नली में ऊपर आ जाता है और श्वास नली बंद हो जाती है। एक बार में एक ही नली खुली रहती है, या भोजन की या वायु की। इसीलिए एक बार में हम दो कार्य नहीं कर सकते, पानी पीना, खाना या सांस लेना। जब आपको पानी पीना होता है तो आपको अपनी सांस रोकनी होती है, और जब आपकी सांसें चल रही हों तो आप कुछ भी पेट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एक बार में एक ही कार्य किया जा सकता है। अब इस विधि में आपको मुंह के माध्यम से, इस अभ्यास में आपको मुंह के माध्यम से वायु को भरना है, और जिस प्रकार से भोजन या पानी को सटक के अंदर लेके जाते हैं उसी प्रकार से वायु को सटक के अंदर लेके जाना है। थोड़ा सा वायु भरना है, पेट के अंदर धीरे धीरे करके, एक बार भरेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जितनी भी आपकी क्षमता हो, छोटे छोटे सांस को सटकते रहेंगे और पेट को पूरा वायु से भर देंगे, फुला लेंगे। और इसके बाद गले की मांसपेशियों के ऊपर आपका इतना संतुलन हो कि वह वायु अपने आप बाहर ना निकले, वायु को पेट के अंदर ही लगभग 1 से 2 मिनट तक रखना है। इतनी देर तक सांसें आराम से चलते रहेंगी, इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है कि सांसों को नहीं रोकना, सांसें चलते रहेंगी। नाक से सांस जाएगा फेफड़ों के अंदर और फेफड़ों से बाहर, परंतु वो जो वायु आपने सट की है वो पेट के अंदर ही रहेगी। अब जितनी देर पेट के अंदर वायु है उतनी देर तक आपको या तो नौली अभ्यास करना है या फिर अग्निसार क्रिया करना है।
इन दोनों में से किसी एक अभ्यास को करना है। परंतु जो लोग अभी नया नया अभ्यास शुरू कर रहे हैं उनको कोई भी क्रिया नहीं करनी और इतने लंबे समय तक पेट के अंदर हवा को नहीं रोक के रखना, 20 से लेकर 30 सेकंड तक रोकें और उसको फिर जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, सांस को अपने अंदर लिया, रोक के रखा और फिर डकार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देना है। यह एक चक्र पूरा हुआ, फिर लगभग 1 से 2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर दोबारा से आपको छोटे छोटे हवा के वायुओं के घूंट पीने हैं और अंदर लेके जाने हैं। नए अभ्यासियों को लगभग 20 से 30 40 सेकंड तक रोक के रखें बिना अग्निसार या नौली क्रिया किए, फिर उसको बाहर निकाल दें। और जो पुराने अभ्यासी हैं वह वायु को 1 से लेकर 2 मिनट तक रोक सकते हैं और पेट के अंदर वायु भरे रहेगा। आपने अग्निसार या नौली क्रिया करनी है जिससे पूरी वायु पेट के अंदर अच्छे से घूम जाए और फिर डकार के माध्यम से हवा को बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा कि पेट के अंदर जितनी भी दूषित वायु पहले से थी वह इसके साथ मिलकर बाहर आ जाएगी और जो विजातीय द्रव थे वह वायु के साथ उनका सार या तत्व बाहर निकल जाएंगे। पेट के आंतरिक सफाई के लिए यह क्रिया है। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है। यह अभ्यास सुनने में काफ़ी सरल मालूम हो रहा है परंतु इसकी यदि विधि ठीक ना हो तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसीलिए इन वीडियोज़ में केवल इसकी चर्चा की जा रही है, एक सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है सभी षटक्रमों के अभ्यास की, जिनकी वीडियो बनाई जा सकती थी, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल। यह सब अभ्यास ऐसे हैं जिनकी वीडियो करके दिखाई जा सकती थी, वह दिखाई दी गई है, परंतु उसको भी वीडियो देख के करने के लिए आपको नहीं बोला गया है। ऐसे ही इसको केवल इसकी जानकारी दी जा रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने उस वीडियो को देख के अभ्यास करना है। आपने केवल जब भी आप अभ्यास करेंगे तो किसी विशेष मार्गदर्शन में अभ्यास करेंगे। यह केवल सामान्य जानकारी है जिससे आप परिचित हो सकें कि इस प्रकार से अभ्यास किए जाते हैं। तो यह इसका अभ्यास है। अब इसके बाद कुछ 2-3 विशेष बातें इस अभ्यास के संदर्भ में। पहली बात तो यह है कि इसका अभ्यास दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, किसी भी समय, परंतु शर्त यह है कि पेट ठीक से खाली होना चाहिए, अर्थ खाना खाने के कम 3 से 4 घंटे के बाद अभ्यास करेंगे। और भरपेट पानी पिया है तो भी लगभग 40 से 50 मिनट के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से पहले शीतली प्राणायाम, अग्निसार या नौली, इन दोनों में से कोई एक, इनका अभ्यास अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। एक तो शीतली का आना चाहिए और दूसरा अग्निसार या नौली, इन दोनों में से किसी एक का अभ्यास आना चाहिए। तीसरी बात है वृद्ध अवस्था में इसका अभ्यास ना करें। अब लाभ की यदि चर्चा करें तो इसके अभ्यास से उन लोगों को विशेष लाभ मिलता है जिनको वायु विकार, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बनना, खट्टी डकारें आना, पित्त बिगड़ना, जलन होना, ऐसी समस्याएं हैं। पेट और छाती की जलन, मंद अग्नि की समस्या में भी इससे लाभ मिलता है। यदि पेट के अंदर भोजन का पाचन ठीक से हो और वायु ना बने तो बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है और उसी के लिए यह अभ्यास हमारी सहायता करता है।